हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं टर्की स्पीडे, जो कि टर्की की बहुत ही फेमस रेसिपी है। ये एक तरह का बेसिकली पिज्जा होता है, जिसमें टॉपिंग्स में चीज, मिंस किए हुए मीट, चिकन और वेजीज हम लोग डाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं टर्की स्पीडे। लेकिन इसको बनाने से पहले स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का मेरे चैनल बेक एंड सॉरी में। सबसे पहले एक बाउल में आधा कप गरम पानी डालेंगे, उसके बाद उसमें 3/4 कप दूध डालेंगे। अब इसमें ड्राई यीस्ट डालेंगे 2.25 छोटे चम्मच, उसके बाद इसमें चीनी 1 छोटा चम्मच डाल देंगे। अब इसमें 4 कप मैदा डाल देंगे। उसके बाद इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे, एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। इसको हमें लगभग 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से गूंदना है, जिससे हमारा एक अच्छा सा डो तैयार हो जाए। अगर आपको लगता है कि डो बहुत हार्ड हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी 1 से 2 छोटे चम्मच आप और ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 बड़े चम्मच ऑलिव ऑयल के डाल देंगे, उसके बाद इसको और थोड़ी देर के लिए हम इस तरह से गूंद लेंगे, जिससे कि हमारा ऑयल अच्छी तरह से डो में मिक्स हो जाए। अब अपने डो को थोड़ा इस तरह से हम शेप कर लेंगे, उसके बाद अपने डो के चारों तरफ इस तरह से ऑलिव ऑयल लगाएंगे। अब इसको एक गीले कपड़े से ढक देंगे और 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। यहाँ पे मेरा डो डबल हो गया है, अच्छी तरह से राइज हो गया है। अभी ठंडी का दिन है, तो यहाँ पे डो को मैंने थोड़ी देर के लिए और रखा था। यूजुअली 1 घंटे में राइज हो जाता है, लेकिन मैंने इसको 1.5 घंटे के लिए राइज किया है। अब अपने डो को 8 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। अब थोड़ा सा फ्लोर हम इस तरह से छिड़क लेंगे और उस पे डो का एक पीस लेकर इसको लॉन्ग ओवल शेप में हम रोल कर लेंगे। इसको हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है। अब हमें इस पे इस तरह से साइड से हम मोजरेला चीज डालेंगे दोनों साइड पे। उसके बाद हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है और सील कर देना है इसे, चीज को इसके अंदर। इसे इस तरह फिंगर से हमें दबा लेना है, जिससे कि हमारा बेकिंग के टाइम चीज ना निकले। अब इसके बीच में हम 2 बड़े चम्मच टमेटो सॉस डाल देंगे और इसको बीचों बीच अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर मोजरेला चीज डाल देंगे और इस पे हम स्लाइस किए हुए ब्लैक ऑलिव्स डाल देंगे। अब इसके एंड को हमें इस तरह से पिंच करते हुए क्लोज कर देना है। दूसरा साइड भी हम इसी तरह से इसको बंद कर लेंगे। इसी तरह हम डो में से दूसरा पीस भी लेकर एक और पीड़े तैयार कर लेंगे। मैंने एक बीट करके रखा हुआ था, उसको इस तरह से मैं एजेस पे अप्लाई कर रही हूँ। इसका बहुत अच्छा कलर आता है आफ्टर बेकिंग। अगर आप एक का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो आप इसके जगह पे ऑलिव ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसके साइड पे इस तरह से हम थोड़ा सा सेसमी सीड डाल देंगे। मैंने ओवन को 180 डिग्री पे प्री हीट किया है, उसमें इसे 25 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और हमारा यहाँ पे टर्की स्पीडे बनके तैयार हो गया है।
और ये बहुत आसान रेसिपी है, झट से बन जाती है, तो आप भी जरूर बनाइए और ट्राई करते हैं ये रेसिपी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और अगर ये रेसिपी की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें इस वीडियो को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और आगे भी मेरी आने वाली सभी रेसिपीज की अपडेट आपको मिलती रहे इसके लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर आऊंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।